हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व के बारे में। बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व यानी एओर्टिक वाल्व यानी बेसिकली लेफ्ट वेंट्रिकल को एओर्टा से सेपरेट करने वाला वाल्व। ये वाल्व में नॉर्मली तीन पंखुड़ियाँ होती हैं यानी तीन कस्प होते हैं, इसलिए इसे ट्राइकस्पिड एओर्टिक वाल्व बोलते हैं, जो कि नॉर्मल होता है। कभी कभी जब कंजेनाइटली या जन्म से कोई विकृति होती है तो ये तीन के बदले दो कस्प बनते हैं यानी बाइकस्पिड होता है। कभी कभार मोनोकस्पिड या यूनिकस्पिड भी हो सकता है, क्वाड्रिकस्पिड एओर्टिक वाल्व भी हो सकता है। हमने एक आर्टिकल पब्लिश किया था एक इंटरनेशनल, उसमें बहुत रेयर होता है क्वाड्रिकस्पिड, मतलब चार पंखुड़ियों वाला वाल्व। बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है। इसमें बेसिकली तीन के बदले दो पंखुड़ियाँ बनी होती है, तो बेसिकली मान सकते हैं कि वाल्व जैसा बनना चाहिए ऊपर वाले ने इसको थोड़ा सा डिफॉर्म तरीके से, अबनॉर्मल तरीके से बनाया। इसमें ऑब्वियसली जो पेशेंट है उसकी तो कोई गलती नहीं है, लेकिन ये जन्मजात विकृति है जिसकी वजह से पेशेंट को तकलीफ होती है और उसको आगे क्या प्रॉब्लम्स होती है उस बारे में बात करेंगे। बेसिकली वाल्व का काम ये होता है कि ब्लड के फ्लो को एक डायरेक्शन में मेंटेन करना, यानी कि जब एओर्टा में ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से आता है तो ब्लड वापस नहीं लीक हो जाए, एओर्टा से वापस वेंट्रिकल की तरफ लीक ना कर जाए, वापस ना बह जाए, तो उसके लिए ये एओर्टिक वाल्व एक दरवाजे जैसा काम करता है जिसमें ब्लड का यूनिडायरेक्शन यानी एक तरफा फ्लो होता है। बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व के केस में ये वाल्व थोड़ा स्ट्रक्चरली डिफॉर्म्ड होता है, इसलिए ब्लड का फ्लो एक तरफ नहीं होता, वो बैक लीक करता है, आगे जाने के बदले पीछे जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स आती है। और ये वाल्व नॉर्मल के कंपैरिजन में ज़्यादा फ्रजाइल और ज़्यादा डेलिकेट होता है, इस वजह से इस तरह के पेशेंट को जन्म से भी कई बार वाल्व में बहुत ज़्यादा रुकावट हो या बहुत ज़्यादा लीकेज हो प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ लोग हमें पूछते हैं कि बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व में तो क्या सभी ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है, कि सभी खराब ही होते हैं, कि उसको बदल ही दे क्या, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम दवा से वो जो एक का नॉर्मल से बना नहीं है उसको कुछ कर सकें या ऑपरेशन से उसको रिपेयर कर सकें। वैसा यूजली पॉसिबल नहीं है। बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व मतलब जन्म से ही हार्ट के वाल्व में विकृति है और वो तीन के बदले दो पंखुड़ियाँ बनी है, तो उससे ऑब्वियसली ना सर्जन रिपेयर करके दो से तीन पंखुड़ी कर सकता है और ना ही उस वाल्व में कोई दवा से हम कुछ कर सकते हैं। पेशेंट कई बार ऐसे होते हैं जिनको बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व होता है और कोई तकलीफ नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना सांस फूल रही है, ना दर्द हो रहा है, ना वाल्व में लीकेज है, ना वाल्व में स्टेनोसिस है, तो वैसे में आपको कुछ नहीं करना है, आपको दवा पर ही चलाना है। पर अगर मान लीजिए आपका वाल्व स्ट्रक्चरली डिफॉर्म्ड है, बहुत ज़्यादा खराब है, वाल्व में बहुत ज़्यादा रुकावट भी है, बहुत ज़्यादा लीकेज है, या दोनों एक साथ हो रहा है, ज़्यादातर केस में या तो रुकावट होता है या लीकेज होता है, पर कई बार क्योंकि वाल्व बना ही ठीक से नहीं है इसलिए प्रॉपर ना चिपक पाता है, ना खुल पाता है, डिफॉर्म होने की वजह से ना इसमें प्रॉपर वाल्व काम कर पाता है, बंद हो पाता है, ना जब उसको बंद रहना चाहिए उस समय प्रॉपर मेंटेनेंस कर पाता है तो गैप भी रह जाता है, तो कई बार दोनों प्रॉब्लम्स भी साथ में हो सकती है, यानी वाल्व सिकुड़ा भी हो और लीकेज भी हो। जितना ज़्यादा लेवल का प्रॉब्लम होगा उतना ज़्यादा पेशेंट को ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। वाल्व का नैरोनेस और वाल्व का लीकेज को तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। अगर माइल्ड कैटेगरी में मतलब सबसे कम लेवल पर, तो आपको कुछ नहीं करना है। मॉडरेट पे है तो आपको दवा गोली पर मैनेज करना है और थोड़े टाइम तक वेट एंड वॉच करना है, हर 3 महीने से 6 महीने तक इको करते रहना है। और कई बार अगर सीवियर कैटेगरी का हो, यानी बहुत सीवियर नैरोइंग हो या बहुत सीवियर लीकेज हो, या दोनों में से एक पैरामीटर सीवियर हो एक माइल्ड हो, तो वैसे केस में कितना सिम्टम्स है पेशेंट को, कितनी तकलीफ है, उसके हिसाब से आपको ऑपरेशन का डिसाइड करना होता है। चाहे स्टेनोसिस सीवियर हो चाहे रिगर्गिटेशन सीवियर हो, दोनों में से एक भी अगर सीवियर है और पेशेंट का हार्ट अगर फेलियर की तरफ जा रहा है, या हार्ट बहुत ज़्यादा वीक हो रहा है, या पेशेंट को बहुत ज़्यादा सांस फूलने की तकलीफ हो रही है, तो आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं। बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व के सिम्टम्स क्या होते हैं? ज़्यादातर कोई सिम्टम्स नहीं होते, पेशेंट को पता नहीं चलेगा कि उसका वाल्व तीन कस्प का है कि दो कस्प है, जब आप इकोकार्डियोग्राफी करेंगे तब पता चलेगा। हाँ, वाल्व में अगर नैरोइंग है या वाल्व में अगर लीकेज है, तो वैसे पेशेंट को छाती में दर्द होना, सांस फूलना, एक्सरसाइज करने की कैपेबिलिटी कम हो जाना, सुस्ती या कमजोरी लगना, चक्कर आना, इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। और वैसे पेशेंट में आपको आगे पेशेंट को सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ सकती है अगर पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो। अगर माइल्ड सिम्टम्स है, थोड़ा बहुत सिम्टम्स है और कोई तकलीफ नहीं है, तो फिर आपको सिर्फ इकोकार्डियोग्राफिक इवैल्यूएशन करके पेशेंट को कंटिन्यूसली मेंटेन करते रहना पड़ता है, दवा पर चलाते रहना पड़ता है। जहाँ पेशेंट को तकलीफ ज़्यादा होती है तो वहाँ पेशेंट को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। ऑपरेशन में क्या होता है? ऑपरेशन में वाल्व को चेंज कर दिया जाता है। सर्जिकल रिपेयर उतना कर पाना इजी नहीं है, क्योंकि दो पंखुड़ी का बना हुआ वाल्व डिफॉर्म्ड होता है, आप उसको रिपेयर उतना अच्छे से नहीं कर सकते। आप एक नई पंखुड़ी प्लास्टिक की वहाँ पर चिपका दो और वो काम करने लग जाए, वैसा नहीं होता।
क्योंकि वो सिर्फ लीफलेट नहीं होता, उसके खुलने बंद होने का भी पूरा मैकेनिज्म होता है कि कैसे वो खुलेगा कैसे बंद होगा, वो भी पूरी तरह से कंट्रोल होता है। तो अगर वाल्व स्ट्रक्चरली डिफॉर्म्ड है तो आप उसको सर्जिकल रिपेयर कर पाओ वो काफ़ी मुश्किल है, ज़्यादातर में उसे रिप्लेस करना पड़ता है। इसके अलावा बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व के पेशेंट्स में कई बार ये वाल्व लीकेज और स्टेनोसिस करने की वजह से हार्ट फेलियर भी हो सकता है। एक और बीमारी जो कॉमन है वो है एओर्टिक एन्यूरिज्म। एओर्टिक एन्यूरिज्म का मतलब ये है कि हार्ट से जो निकलने वाली मेन नली है एओर्टा, वो कई बार डायलेट हो जाती है, नॉर्मल साइज से डेढ़ गुना से ज़्यादा डायलेट अगर हो जाए तो उसे एओर्टिक एन्यूरिज्म बोलते हैं। नॉर्मल एओर्टा का साइज 20-21 मिलीमीटर या मैक्सिमम 25 मिलीमीटर तक लगभग रहता है, 25 मिलीमीटर तक का लगभग रहता है। उससे अगर ज़्यादा बढ़ जाए और उसका साइज 3.5-4 सेंटीमीटर से ज़्यादा अगर हो जाए, डेढ़ गुना से या दो गुना से ज़्यादा डायलेट हो जाए तो उसे एन्यूरिज्म बोलते हैं। और वैसे केस में जब आप सर्जरी करते हो तो आपकी मुश्किलात बढ़ जाती हैं। वो इसलिए बढ़ जाती है कि वो डायलेट होने की वजह से वो एरिया पूरा फैल जाता है, तो वाल्व को और जगह बहुत ज़्यादा हो जाती है, वाल्व चिपक नहीं पाते, तो वाल्व का लीकेजेस का प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वैसे केस में जब आप सर्जरी करते हो तो आप सिर्फ वाल्व को चेंज करते हो तो काम नहीं चलेगा, पूरा एओर्टा को भी रिप्लेस करना पड़ता है, यानी एओर्टा का असेंडिंग पोर्शन पूरा आपको चेंज करना पड़ता है, उसे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बेंटाइल सर्जरी बोलते हैं। तो इसमें वाल्व भी चेंज होता है, एओर्टा का पोर्शन भी रिप्लेस होता है, तो सर्जिकल रिस्क भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये एओर्टिक एन्यूरिज्म भी बहुत ज़्यादा कॉमन है बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व के पेशेंट में। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक तो वाल्व में लीकेज है नैरोइंग है, तो ब्लड का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एओर्टा के थ्रू जो जा रहा है, तो वो एक्स्ट्रा ब्लड को अकोमोडेट करने के लिए एओर्टा का साइज बढ़ जाता है। दूसरा ये भी है कि वाल्व के प्रॉब्लम के साथ बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व के काफ़ी पेशेंट में एओर्टा कई बार थोड़ा वीक भी होता है, वहाँ पे जो इलास्टिक टिश्यू रहता है वो भी थोड़ा स्ट्रक्चरली वीक रहता है, इस वजह से भी कई बार प्रॉब्लम्स होती है। पेशेंट को कई बार एंडोकार्डिटिस की प्रॉब्लम भी होती है, जिसमें क्या होता है कि ये स्ट्रक्चरली जो डिफॉर्म्ड वाल्व है उसमें क्योंकि ब्लड का बहुत ज़्यादा घर्षण होता है, बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, उसकी वजह से कई बार वाल्व में कई बार लीकेज डेवलप हो जाता है, और ये लीकेज की वजह से कई बार जहाँ पे ब्लड का बार बार टर्बुलेंस हो रहा है वो जगह पे कीटाणु घर कर लेते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाता है, इस इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस बोलते हैं। और जब कभी ऐसा होता है तो आपको इकोकार्डियोग्राफी से उसे कंफर्म करना पड़ता है और आगे आपको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व में हर पेशेंट में होता ऐसा नहीं है, थोड़ा अनकॉमन है, पर जितना ज़्यादा वाल्व डिफॉर्म्ड है, जितना ज़्यादा उसमें नैरोइंग है, जितना ज़्यादा उसमें लीकेज है, उसके हिसाब से पेशेंट को वाल्व का नैरोइंग और रिगोटेशन के हिसाब से पेशेंट को इन्फेक्टिव एंटोकार्डिटिस का रिस्क होगा। इसके अलावा बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व के पेशेंट में कई बार रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होती है, क्योंकि हार्ट डायलेट हो जाता है तो पेशेंट को कई बार धड़कन बढ़ने की प्रॉब्लम भी कई बार होती है, चलने में पेशेंट को धड़कन काफ़ी बार बढ़ जाती है। ये बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व के पेशेंट को हम डायग्नोज कैसे करते हैं? ऑब्वियसली अगर पेशेंट कोई सिम्टम्स लेके जाता है तो पहले डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको इवैल्यूएट करता है, तो स्टेथोस्कोप से ऑस्कल्टेट करता है, उसमें अबनॉर्मल हार्ट साउंड यानी मर्मर सुनाई देती है। मर्मर एक लाउड हार्श साउंड होती है जो फ्रिक्शन की वजह से क्रिएट होती है, जिसकी वजह से जब स्टेथोस्कोप से सुनते हैं तो बहुत ही घर्षण की आवाज़ आती है, क्योंकि ब्लड जो है बहुत नैरो पाथवे से फोर्स के साथ बहता है, जितना जगह में जितना ब्लड एक मिनट में पास करना चाहिए, मान लीजिए उससे कम जगह में उससे ज़्यादा ब्लड पास हो रहा है तो ये फ्रिक्शन डेवलप होगा, टर्बुलेंस डेवलप होगा, और व्यक्ति को जब आप ऑस्कल्टेट करोगे तो ये अबनॉर्मल साउंड सुनाई देगा। इसके अलावा इसको पता करने के लिए एक्सरे में भी थोड़ी मदद मिल सकती है, ईसीजी में भी थोड़ी मदद मिल सकती है, पर ये उतने डेफिनेटिव साइंस नहीं है। कार्डियक का सीटी स्कैन अगर आप करते हो, एमआरआई करते हो, तो उसमें भी आप इसको डिटेक्ट कर सकते हो कि कितनी पंखुड़ियाँ और क्या है, खासकर कार्डियक एमआरआई में। कार्डियक एमआरआई में आप काफ़ी हद तक अच्छे से बता सकते हो कि पेशेंट को कितना प्रॉब्लम है और कितना नहीं। बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। मेडिसिन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आता है इसमें बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व के हिसाब से, और हम ऐसा भी कुछ नहीं कर सकते, कोई दवा नहीं आती जो इसका डैमेज को प्रिवेंट कर सके। हाँ, जब घर्षण बहुत ज़्यादा हो रहा है या लीकेज ज़्यादा हो रहा है तो आप हार्ट फेलियर वाली जो मेडिसिन है, जैसे रास इनहिबिटर ग्रुप ऑफ मेडिसिन, बीटा ब्लॉकर्स, SGLT2 इनहिबिटर्स या मेनिकोटिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये चारों ही मेडिसिन जो आप हार्ट फेलियर में देते हैं वो पेशेंट्स को दिया जा सकता है, अगर साथ में हार्ट फेलियर हो तो। और अगर लीकेज का ही प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो नलियों को डायलेट करने के लिए आप वैसोडायलेटर्स यानी बेसिकली रास इनहिबिटर ग्रुप ऑफ मेडिसिन में आप रामिप्रिल या एनालाप्रिल को ज़्यादा प्रेफर कर सकते हो। ये दवाइयाँ थोड़ा सा वाल्व के थ्रू जो फ्रिक्शन हो रहा है या टर्बुलेंस हो रहा है उसको कम करती हैं। और पेशाब बढ़ाने वाली दवा को एल्डेक्टॉन के कॉम्बिनेशन में आप दे सकते हो, ये पंप फंक्शन को भी सुधारेगा और वाल्व के थ्रू जितना फोर्स से ब्लड जा रहा है, जितना वॉल्यूम है, उसको भी कम करेगा। तो ये दवाइयाँ ज़्यादातर वाल्व के पेशेंट को दी जाती हैं ताकि उसको वाल्व फर्दर डैमेज नहीं हो। अगर किसी को रिदम रिलेटेड प्रॉब्लम है
साथ में एट्रियल फिब्रिलेशन है तो उसको खून पतला करने की दवा भी दी जाती है, साथ में अगर हार्ट फेलियर है तो हार्ट फेलियर की मेडिसिन दी जाती है, अगर किसी का वैल डैमेज हो गया और वैल रिप्लेसमेंट हुआ है तो वैल रिप्लेसमेंट के बाद भी हार्ट फेलियर की मेडिसिन और खून पतला करने की दवा कंटिन्यूसली चलती रहेगी। लोग उसके लाइफस्टाइल के चेंजेस के बारे में पूछते हैं, मेडिकेशंस का हमने वही डिस्कस किया कि अगर वैल लीकी है या स्टेनोसिस है तो पेशाब बढ़ाने वाली दवा और गति कंट्रोल करने वाली दवा, और अगर वैल में कोई रिदम प्रॉब्लम है तो वैल की वजह से तो आप एंटी अरिथमिक मेडिसिन पेशेंट को देते हैं। नेक्स्ट लोग पूछते हैं कि इसमें लाइफस्टाइल की क्या चेंजेस है, पेशेंट के लाइफस्टाइल के हिसाब से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे उसको प्रॉब्लम नहीं आए। उसमें यह है कि आप रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा विग्रस और बहुत अग्रेसिव एक्सरसाइज नहीं कीजिए, नहीं तो थोड़ा सा वैल का अगर डैमेज ऑलरेडी है तो वो थोड़ा ग्रेडियंट्स बढ़ सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती है। अल्कोहल और स्मोकिंग आपको नहीं लेना, कोई भी व्यसन नहीं होना चाहिए। प्रॉपर अच्छी नींद रखिए, मेंटल स्ट्रेस को कम रखिए, फिजिकल स्ट्रेस करिए लेकिन मेंटल स्ट्रेस को कम रखिए, अच्छी नींद रखिए। कोई और प्रॉब्लम साथ में नहीं होनी चाहिए, इसलिए आप शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर लेवल्स को प्रॉपरली कंट्रोल करें, शुगर भी कम लें और बीपी को भी प्रॉपरली मेंटेन करें, नमक भी कम लें, और ब्लड प्रेशर के हिसाब से मेडिटेरियन डाइट या इस तरह की डाइट को आप फॉलो कर सकते हैं। जितना ज़्यादा ब्लड प्रेशर होगा उतना एओर्टा के डायलेट होने का चांस भी बढ़ जाता है और वैल के डैमेज होने का चांस भी बढ़ जाता है। बाकी इसके लिए बहुत ज़्यादा कोई चीज़ करने का ज़रूरत नहीं है, रेगुलर आपको इको फॉलोअप करने की ज़रूरत है हर 3 महीने से 6 महीने। अगर आपको वैल ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हर 3 महीने में बताइए, अगर बिल्कुल माइल्ड सा लीकेज या स्टेनोसिस है तो 6 महीने या 1 साल में ही बताएं। अगर वैल सिर्फ बाइकस्पिड और कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है पेशेंट को, तो हर 3 से 5 साल में भी आप इको कराते रहे तो चलेगा। अगर ज़्यादा तकलीफ है तो आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इको करना पड़ेगा, ज़्यादा तकलीफ है तो मेडिसिन भी लेनी पड़ेगी। कम तकलीफ है या बिल्कुल तकलीफ नहीं है तो आप दवा पर चला सकते हैं, बगैर दवा भी चला सकते हैं अगर बिल्कुल तकलीफ नहीं है तो। बाइकस्पिड एओर्टिक वैल को ठीक करने की कोई दवा नहीं आती है, लेकिन हाँ अगर वैल का लीकेज वगैरह है तो उसके लिए डेफिनेटली मेडिसिन आती है। लोग हमसे पूछते हैं कि दवा के साथ क्या हम सर्जरी के बगैर लंबे समय तक चला सकते हैं वैल को। डेफिनेटली अगर वैल का प्रॉब्लम आपका बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है, माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी में है, तो आप उसको लंबे समय तक चला सकते हैं, लाइफ टाइम भी चला सकते हैं। पर इसमें मान के चलिए कि 10-20% केसेस में आपको ऑपरेशन लगेगा, खासकर जैसे जैसे पेशेंट की उम्र बढ़ती जाएगी तो वैल्व में कैल्शियम भी जमा होना बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये वैल्व क्या है, ख़राब है स्ट्रक्चरली, उसमें ब्लड का जो बहाव आ रहा है उसकी वजह से टर्बुलेंस ज़्यादा हो रहा है, फ्रिक्शन ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैल्व में कैल्शियम बढ़ने का चांस बढ़ जाएगा। यही कारण है कि बाइकस्पिड एओर्टिक वैल्व को रूटीन पेशेंट्स में, जहां वैल्व की सर्जरी 70-80 साल में लगती है, बाइकस्पिड एओर्टिक वैल्व में आप मान के चल सकते हैं कि वैल्व का सर्जरी आपको 50-60 साल की आयु में भी लगे, ऐसा हो सकता है। अगर ज़्यादा तकलीफ होती है तो वैल्व को रिप्लेस करना पड़ता है। अगर पेशेंट को सर्जिकल रिस्क बहुत ज़्यादा, ऑपरेशन नहीं हो सकता, तो टावी यानी ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वैल्व रिप्लेसमेंट करके थेरेपी आती है, जिसमें बगैर सर्जरी हम एओर्टिक वैल्व को रिप्लेस कर सकते हैं। उसमें एक टिश्यू वाला वैल्व है, कैथेटर के माध्यम से हार्ट के पास ले जाते हैं और बलून के द्वारा उसे फुला देते हैं तो वैल्व अंदर बैठ जाता है, पर इसका कैथेटर काफ़ी महंगा आता है, इसलिए रेगुलर सर्जरी का कॉस्ट जहाँ 3-4 लाख के आसपास आता है, वहाँ टावी प्रोसीजर का कॉस्ट 15-20 लाख तक भी जा सकता है, क्योंकि कैथेटर ही 12-15 लाख रुपए तक का आता है, तो काफ़ी कॉस्टली, इसलिए रूटीनली इसको नहीं किया जाता है। हालांकि पेशेंट को थोड़ा कन्वीनियंट जरूर रहता है, ये रूटीनली जहाँ पेशेंट को सर्जिकल रिस्क ज़्यादा है वो ओपन हार्ट सर्जरी नहीं करवा सकता क्योंकि उसको प्रॉब्लम ज़्यादा है, वहीं पे हम इसको रिकमेंड करते हैं। रूटीन केस में जहाँ सर्जरी सिंपल है, यंग पेशेंट है या मिडिल एज पेशेंट है, जहाँ सर्जिकल रिस्क ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे ओपन हार्ट सर्जरी को ही ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म रिजल्ट उसके ज़्यादा चलते हैं। या जिन पेशेंट में आपको मेटालिक वैल लगाना है, वहाँ डेफिनेटली आपको टावी के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि टावी में सिर्फ टिश्यू वैल भी लग सकता है, मेटल वाला वैल के लिए आपको ओपन हार्ट ही ज़्यादातर करना पड़ता है। तो आज के टॉपिक में हमने बाइकस्पिड एओर्टिक वैल के बारे में बात की और इस टॉपिक को डिस्कस किया। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपके कोई पर्सनल इश्यूज है, कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। यदि आप सारा ये डिटेल्स जो हमारे चैनल पे अवेलेबल है पूरा डिटेल में वीडियोस नहीं देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई ब्रीफ समरी में बता दें, पूरे डिटेल्स में ना जाना पड़े, तो रेगुलर बेसिस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं जिसमें सारे टॉपिक्स का ब्रीफ समरी हम आपको देते हैं। आप ये यूट्यूब शॉर्ट्स को देख सकते हैं और ये हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में डिवाइडेड है, नए पुराने सारे वीडियोस, छोटे बड़े सारे वीडियोस हमारे चैनल पे, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, वैल की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, सबके प्लेलिस्ट बने हुए। आप उस प्लेलिस्ट पर स्पेसिफिक जाइए, उसे क्लिक करिए और आपको आपके मतलब का या आपसे रिलेटेड टॉपिक मिल जाएगा, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। ये प्लेलिस्ट के लिंक मैंने कमेंट सेक्शन और चैट बॉक्स में छोड़ दिया है।